आज के दिन मैं जा रहा हूँ प्रॉब्लम मुराद रास्ते पर जाऊँगा, वहाँ पर जो होल मार्ट है वहाँ पर सारी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो साथ में मेरे सुमन भाई मैं उनके साथ जा रहा हूँ, उनको भी थोड़ा सा काम है। रास्ते को क्रॉस करने के लिए ये प्यारा ब्रिज और इसका लेक हमेशा आएगा, आप निगलेक्ट नहीं कर सकते इसे। सुमन भाई का भी काम है, उनको अपनी सिक लीव पकड़ानी है मैकडॉनल्ड्स में, तो वो हम रास्ते में करेंगे या जाते हुए करेंगे वो अभी हम डिसाइड करेंगे। तो उसके बाद जब भी चीज़ें लेनी है सही है, और कुछ अंडर आर्मर्स गारमेंट्स तो हो गए, उसके अलावा वॉशरूम की भी एक दो चीज़ें हैं वो लेनी है। ओए ओए क्या तेज पिक्चर आएगी यहाँ पर यार, मेरे कैमरे के साथ, फ़ोन में नहीं कैमरे के साथ, एक लाइटिंग अच्छी है। ये मुझे चिट पकड़ाएंगे, मुझे इनके किसी कुलीग को चिट पकड़ानी है, वो करेंगे फिर वापसी दोबारा आएंगे। मैकडॉनल्ड्स आ गए, चिट पकड़ानी है, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने सिक लीव दी हुई है, तो अगर सिक लीव है तो वो बंदा खुद कैसे आ सकता है सिक लीव दी है। तो इस वजह से मुझे चिट पकड़ाएंगे, मुझे बताएंगे किस बंदे के पास जाना है और फिर मैं उसको ये सिक लीव पकड़ा दूँगा। सुमन भाई का जो सिक नोट था वो मैंने वहाँ पर लेडी इंचार्ज थी उसको मैंने दे दिया। मैं एक स्टोर एक्शन कह रहे हैं वहाँ पर चीज़ें देख लो तो वहाँ पर भी सही प्राइस वगैरह में मिल जाएगी चीज़ जो चीज़ ढूंढ गया। ये यहाँ स्टोर पे आए हो जहाँ पर मैं अपने अंडर गारमेंट्स वगैरह का सामान देखा, तो स्टोर थोड़ी अफोर्डेबल लग रही है प्राइसेस वगैरह देख के, तो आई थिंक अगर मुझे अपनी चीज़ मिल गई तो सही है, वरना फिर साथ में एक्शन अपोजिट पे वहाँ भी जाके देख सकता हूँ। ओ भाई ये सारा सामान लिया है मैंने, सॉक्स हो गए, अंडरवेयर्स हो गई, ये अच्छी स्टोर है, यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी के अंदर सारी चीज़ें मिल गई थी, ये सीन है। किक से मैंने सारा सामान लिया, अभी अपना जितना फॉक्स लिया, अंडर आर्मर लिया, अंडर गारमेंट का जितना सामान है सर, गुड प्लेस। तो अब मुझे यहाँ से दूसरे स्टोर पे जाना है और वो वॉशरूम का डिवाइडर देखना है और वॉल पे स्पंज या टावल लगाने का होल्डर देखना है, तो ये चीज़ें देखनी है। तो जो अपना सामान था वो तो मैंने ले लिया। हम लोग एक्शन के अंदर आ गए, किक से तो अपना सारा सामान ले लिया जो मैंने लेना था, अंडरवेयर्स हो गई, सॉक्स हो गए, काफ़ी ले लिए, मतलब चलेंगे अरसे तक चलेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग एक्शन वाले स्टोर पर आ गए, मैं वहीं पर ही खड़ा हुआ, यहाँ पर सुमन भाई अपने आगे पीछे कुछ देख रहे हैं। तो वॉशरूम की एक दो चीज़ें थी वो बोले तो यहीं से मिलेगी। वो मिल गया है जो होल्डर जिसके अंदर मैं अपनी वॉशिंग एसेसरीज डाल रहा हूँ, वॉशरूम के एसेसरी डाल सकता हूँ, वो एक्शन से ही मिला है पीछे है। तो अब हम लोग वापसी तरफ जा रहे हैं, उस्मान भाई का एक और काम है और ये है कि हमें बेड लाना है, तो बेड कैसे लाना है, बेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए लाना है, तो अब ये एक हैसल वाला काम है, देखते हैं भाई इसका क्या होता है। पूरा बेड लेके घूमना है हमें आधे बर्लिन के शहर के अंदर। स्टेशन पे आ गए और बस बेड उठाएंगे, कैसे उठाएंगे वो
मुझे भी अभी देखने को मिल जाएगा कैसे उठाएंगे। उसके यूबान के स्टेशन पर उतर गए और यूसेवन वाली जो मेरे घर पे लिंक होती है, अब यहाँ से हम बस पकड़ के घर जाएंगे। क्योंकि यार हम बैग को देख के एनालाइज ये करा कि उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो हमें उसके लिए लोग तो चाहिए। ये एक दो लोगों का गेम नहीं है, कम से कम एक और ऐड हो जाए तो फिर एक आसरा हो जाएगा कि हाँ चलो अजियत तो है लेकिन ले आ पाएंगे। सारा गेम भी है कि लेकर भी तो आ पाए। हम लोग बस में आके बैठ गए, अब हम लोग वापसी तरफ जा रहे हैं। और बंदे ने 3 बजे तक का टाइम दिया है, मतलब 3 बजे से थोड़ा ऊपर भी हो जाए खैर है। तो वापसी जाएंगे, अभी एक और रूम मेट है मेरा रूमान, उसको भी पिक करना है क्योंकि बेड यार दो बंदों का काम नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है।